रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस को देखते हुए जीआरपी पुलिस व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि जनपद में खिचड़ी का पर्व और बुढ़वा मंगल का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें काफी संख्या में यात्रियों और श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है तथा आगामी 26 जनवरी को देखते हुए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तथा सर्कुलेट एरिया में जीआरपी व आरपीएफ सहित पीएसी के जवान तथा डॉग स्क्वाड द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जो कि अगले 26 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके लिए सभी स्टेशनों पर थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने सभी यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी लावारिस वस्तु को किसी भी अनजान व्यक्ति का कोई भी वस्तु दिया हुआ ना खाएं तथा रेलवे लाइन को अनावश्यक रूप से पार ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए जीआरपी पुलिस की ड्यूटी पर्याप्त मात्रा में लगाई गई है। इस अवसर पर सीओ जीआरपी सुनील कुमार राय, जीआरपी इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, Bomb 2 is expected to arrive on platform number 2 at 13:25. Bomb 2 is expected to arrive on platform number 2 at 13:25. भाई खोलिए जी, खाने पर आइए सर। खोलो आइए मोर भैया, एकदम एकदम पीछे मेरे जाने देता है ना। Thank you.
गोरखपुर में गोरक्षधाम में खिचड़ी का पर्व और इसके बाद बुढ़वा मंगल का त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है। इसमें काफ़ी यात्रियों दर्शनार्थियों का आवागमन रहता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए तथा गणतंत्र दिवस को दृष्टिगत रखते हुए आज रेलवे स्टेशन परिसर और सर्कुलेटिंग एरिया को RPF, GRP, PSC के जवानों द्वारा मैं डॉग स्क्वाड के चेक किया गया और ये चेकिंग हमारी अनवरत गणतंत्र दिवस तक जारी रहेगी। सारे स्टेशनों पर इस तरह की चेकिंग करने के लिए गणतंत्र दिवस को मद्देनज़र रखते हुए आदेश किया गया है और जो हमारे रेलवे यात्री हैं उनसे विनम्र निवेदन और अनुरोध बार बार किया जा रहा है कि वो लोग किसी संदिग्ध वस्तु को टच न करें, किसी अपरिचित आदमी का दिया हुआ कोई सामान खाने पीने की वस्तु का प्रयोग न करें। इसके अलावा रेलवे लाइन को अनावश्यक रूप से क्रॉस करने की कोशिश न करें। यही इनसे निवेदन बार बार किया जा रहा है और ड्यूटियां पर्याप्त मात्रा में लगाई गई हैं। PSC भी एक प्लाटून मिल गई है, बाहर से भी ड्यूटियां आई हुई हैं। तो इस तरह से रेलवे पुलिस बराबर सतर्कता बनाए हुए है और निश्चित रूप से सारा त्यौहार और पर्व सफल संपन्न कराया जाएगा।